For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you'll get all the content easily, topic-wise. आज हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 12 करने जा रहे हैं, और इस सेक्शन में एक बदलाव आया है, अमेंडमेंट आया है इस बार, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इसको थोड़ा ध्यान से देखें। और चलिए शुरू करते हैं कि क्या है सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी के बारे में। हर एक कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना मैंडेटरी होता है। दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू मेंटेन अ रजिस्टर्ड ऑफिस। और अगर मान लो अगर कोई कंपनी नई है, उसका इनकॉर्पोरेशन अभी तुरंत हुआ है, तो उसको 30 डेज के अंदर अंदर विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपना रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप कर लेना होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जिस दिन आरओसी के ऑफिशियल्स आ रहे हैं और देखने के लिए कि कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन कर रही है या नहीं, उस दिन के लिए सिर्फ भाड़े में आपने एक रूम ले लिया और उसमें रजिस्टर्ड ऑफिस बना लिया, बोर्डिंग बोर्ड बोर्ड लगा दिए कंपनी के, और आए ऑफिशियल्स देख लिए कि हाँ चलो वेरिफिकेशन हो गया कि इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसके बाद से आप छोड़ दो, रजिस्टर्ड ऑफिस को स्थगित कर दो, बंद कर दो, वहाँ पर कोई रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल टाइम देयर आफ्टर 30 दिन जब रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का, उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ेगा और उसके बाद भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशंस टू बी सेंड एट रजिस्टर्ड ऑफिस। जितने भी सारे कम्युनिकेशंस का मतलब क्या? कम्युनिकेशन का मतलब होता है जितने भी सारे लेटर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, सारे भेजे जाएंगे रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे। जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है, वहीं पे सारे लेटर्स, एप्लीकेशंस वगैरह, जो भी कंपनी के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, सारे स्टेक होल्डर्स को, वो वहीं पे एड्रेस करेंगे, वहीं पे सेंड करेंगे। और इसीलिए रजिस्टर्ड ऑफिस को कैपेबल होना चाहिए। किस चीज़ के लिए कैपेबल होना चाहिए? ऑफ रिसीविंग एंड एक्नोलेजिंग ऑल कम्युनिकेशंस। देखो ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, कैपेबल ऑफ रिसीविंग। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। अगर सपोज करो कोई कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस सपोज करो कि हिमालय में है या फिर अमेज़ॉन्स की जंगलों में है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वहाँ पे कोई भी लेटर, एप्लीकेशंस वगैरह, कम्युनिकेशंस कुछ भी सेंड कर पाए, क्योंकि वो विद इन द रीच ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस या फिर कोई भी कुरियर सर्विस के रीच में नहीं है, इसीलिए वो कैपेबल ऑफ रिसीविंग नहीं माना जाएगा। इसलिए ये जो लाइन है, ये जो टर्म है कैपेबल ऑफ रिसीविंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसा जगह पे हो जहाँ पे कम्युनिकेशंस वगैरह वो रिसीव कर पाए। आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। ये आरओसी का ड्यूटी है कि रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करे। अगर आरओसी चाहे तो अपने ऑफिशियल्स भेज के या फिर खुद रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरीफिकेशन करेगा कि हाँ कंपनी ने जो वेरीफिकेशन के लिए जो फॉर्म मेरे पास फाइल किया है, उसमें जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस डाला है, उस एड्रेस पे सच में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है या नहीं, या फिर उसी तरह से वेरीफाई करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कंपनी फाइल करेगा इसको आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी फाइल करेगी आरओसी के पास। क्या फाइल करेगी? वेरिफिकेशन कि देखो देखो आरओसी, मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इस एड्रेस पे सिचुएटेड है, और इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या लिखा है इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। आप जानते होंगे कि जब भी कोई एक्ट आता है तो उसके साथ उसके रूल्स आते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 है, तो उसी तरह से कंपनीज रूल्स है एक 2014, और उसके बाद वो अमेंड होते रहता है, नया नया आते रहता है हमेशा। तो वो रूल्स में प्रेस्क्राइब मैनर कहने का मतलब, वो रूल्स में लिखा रहता है कि आपको कौन सा फॉर्म नंबर भेजना है इस काम के लिए, और उसके साथ आपको कितना फीस चुकाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे वेरिफिकेशन के लिए भी कुछ
प्रिस्क्राइब्ड होगा कि कौन सा फॉर्म भेजना है वेरिफिकेशन के लिए और कितना फीस भेजना पड़ेगा आरओसी को कंपनी के द्वारा, वो भी मेंशनड होगा। तो इन आप ये सब हमेशा अमेंड होते रहता है, इसलिए आपको एग्ज़ाम में हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर जब लिखें ज़रूर, अगर कोई भी चीज़ का फाइलिंग वगैरह का बात हो रहा है तो। जैसे यहाँ पे कंपनी फाइल कर रही है वेरिफिकेशन आरओसी के पास विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म में सेंड करेगी कंपनी, जिस फॉर्म जो फॉर्म नंबर लिखा गया है कंपनीज एक्ट में या कंपनीज रूल्स में, और जितना फीस वगैरह मेंशन किया होगा एक्ट में या रूल्स में उतना प्रॉपर कंपनी पे करेगी आरओसी को। आगे बढ़ते हैं, एवरी चेंजेस इन सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर कभी भी हर एक चेंज, एवरी चेंज, एवरी हर एक चेंज जो हो रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस के सिचुएशन में, कहने का मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के लोकेशन में, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस को बदला जा रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में, हर एक चेंजेस के केस में आपको आरओसी के पास नोटिस भेजना पड़ेगा कि देखो आरओसी, मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस ये है, वो अब चेंज हो गया क्योंकि मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर दिया है, और जब से शिफ्टिंग हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी के पास नोटिस भेजना पड़ेगा कि देखो मैंने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर दिया। तो आपको ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 12 में आसान हो रहा है सबको, स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए, कि आपका यहाँ पे हर एक जो दिन दिया गया है वो 30 डेज का टर्म है, यहाँ भी 30 डेज के अंदर इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर आपको आरओसी के पास भेजना था वेरिफिकेशन, और यहाँ जो नोटिस चेंज के लिए जो नोटिस भेजा जा रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस, जब चेंज शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए जो नोटिस भेजा जा रहा है वो भी 30 डेज के अंदर भेजना है फ्रॉम द चेंज। आगे बढ़ते हैं कि जो चेंज होता है रजिस्टर्ड ऑफिस में वो कैसे कैसे हो सकते हैं। या तो जिस सिटी में है, मान लो दिल्ली में है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस, और आप दिल्ली का ही एक दूसरे पोर्शन में, दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रहे हो, रजिस्टर्ड ऑफिस को दूसरे एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी कुछ भी करने का दरकार नहीं है, आप आराम से नॉर्मली शिफ्ट कर सकते हो, बस आप एक नोटिस भेज दो आरओसी को विद इन 30 डेज ऑफ द शिफ्टिंग या चेंज के 30 डेज के अंदर अंदर। लेकिन अगर आउटसाइड द सिटी लिमिट्स ऑफ आउटसाइड द सिटी लिमिट्स या टाउन या विलेज के लिमिट्स के बाहर कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में है, दिल्ली से आप नोएडा जा रहे हैं, या फिर दिल्ली से आप गुड़गांव जा रहे हैं, दिल्ली से दूसरा शहर जा रहे हैं, दिल्ली से कोलकाता शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, तो उस केस में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। और अगर कुछ ऐसा केस है कि आप जुरिस्डिक्शन ऑफ वन आरओसी से आप जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर आरओसी में जा रहे हैं, तो उस केस में आपको SRNGM तो पास करना मस्ट है, और साथ में आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा कंफर्मेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर। एक आरओसी के जुरिस्डिक्शन से निकल के आप दूसरे आरओसी के जुरिस्डिक्शन में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ SRNGM से काम नहीं चलेगा, उस केस में आपको रीजनल डायरेक्टर का कंफर्मेशन ऑब्टेन करना होगा। यहाँ तक तो ये जो सेक्शन था, सेक्शन नंबर 12, ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल सेक्शन जैसा आपको लग रहा है, जैसे पहले था वैसा अभी भी है, लेकिन इसके आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो एक सिंपल सा पॉइंट है जो कि अमेंड किया गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, जिस अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा था सेक्शन नंबर 12 में, वो अमेंडमेंट है कि इफ द रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव, रीजनेबल कॉज टू बिलीव क्या, दैट द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस या ऑपरेशन। अगर रजिस्ट्रार को लग रहा है कि कंपनी किसी भी प्रकार का बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कंडक्ट कर रहा है, तो और ही में कॉज अ फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब रजिस्ट्रार फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवा सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस का जाके, कि अपने ऑफिशियल्स को भेज के या फिर खुद आके जाके देख के आओ कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सच में है या नहीं, इन सच मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब, जिस तरह से कंपनीज एक्ट में या रूल्स में प्रेस्क्राइब किया गया है उस तरह से कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन कर रहा है या नहीं, मतलब जिस तरह से सेक्शन 12 में लिखा गया है उस तरह से रजिस्टर्ड ऑफिस का जो भी प्रोविजन है सबको कंप्लाई कर रहा है या नहीं, और अगर कोई भी डिफॉल्ट हो रहा है सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 में, और कंपनी नहीं कंप्लाई कर रही है पूरे के पूरे सेक्शन 12 के साथ, तो फिर ये क्या करेगा, आरओसी इनिशिएट करेगा एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कहने का मतलब उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर सकता है, इतना ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन, देख सकते हैं आप कि अगर कंपनी सेक्शन 12 के साथ कंप्लाई नहीं करती है तो रजिस्ट्रार जो है वो चाहे तो इनिशिएट कर सकता है एक्शन कंपनी के नाम को रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटाने का। तो यही एक अमेंडमेंट था। स्टे ट्यून्ड, बने रहे हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी स्टडी।